इधर आओ, इधर आओ। कब से झाड़ू लगाने का काम कर रहे हो? कितने साल हो गए नौकरी में? साहब, यही काम करते करते पूरी जिंदगी निकल गई। अब तुम लोग भी निकल जाओ इस नौकरी से। कल से नौकरी पे आना बंद। मगर साहब, हम गरीब से क्या गलती हो गई? गलती? मुझे पूछ रहे हो गलती क्या है? देखो इधर, नेताजी यहाँ से निकलने वाले हैं। नेताजी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और तुम लोगों ने यहाँ गंदगी छोड़ रखी है। और ये तुम्हारी एक छोटी सी गलती से मेरी नौकरी भी जा सकती है। साहब, ये गलती इनकी नहीं है, ये गलती हमारी है। और ये गंदगी हमने ही अनजाने में की थी। We are so sorry, sir. Really, sir, हमें नहीं पता था कि हमारी एक छोटी सी गलती से किसी की नौकरी भी जा सकती है। हाँ सर, इन लोगों ने तो अच्छे से सफाई की थी और पूरी तरह से अपना फर्ज निभाया था। हाँ सर, ये लोग तो बेकसूर हैं। कसूरवार तो हम हैं जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रास्ते पर पानी की बोतल और पैकेट्स डालकर गंदगी की। हम आज से प्रतिज्ञा लेते हैं सर कि कचरा कूड़ेदान में ही डालेंगे और अपने घर की ही तरह अपने शहर और अपने देश को स्वच्छ रखेंगे। याद रहे, नेताजी ने ये स्वच्छता अभियान चला रखा है। ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये हम सबकी पूरी जिम्मेदारी है। हम स्वच्छता को बनाए रखें और कहीं भी किसी तरह की गंदगी न फैलाने दे। हाँ दोस्तों, आप भी याद रखो कि हमारी गंदगी फैलाने की आदत से हम बीमारियों को अपने पास बुलाते हैं, तो कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती या शरारत की वजह से किसी की नौकरी भी जा सकती है। तो कभी कभी हमारी ये गंदगी फैलाने की आदत से किसी की जान भी जा सकती है। तो क्लीन सिटी, हेल्दी सिटी। तो क्लीन कंट्री, हेल्दी कंट्री।